आपको क्या लगता है कोचर सर, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग किसी के हक में नहीं है और दोनों देशों को अब कभी कहीं ना कहीं इस मोड़ पर आना चाहिए कि उनके मासूम लोगों की जान बच सके। गौरव, ये आपने बिल्कुल करेक्ट असेसमेंट किया है कि लड़ाई किसी के भी हित में नहीं होती है और उसमें आम आदमी का नुकसान होता है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, छोटे देशों को बड़े देश अपना मोरा बना रहे, और अगर आप इसकी जियो पोलिटिकल सिचुएशन को देखेंगे तो दोनों देश को हथियार रशिया सप्लाई करता है, और अगर ये लड़ेंगे नहीं तो उसके जो हथियारों की सेल कैसे होगी, मुझे आप बताओ। ये जो बड़े देश जो हैं, ये क्यों नहीं इसमें इंटरफेयर करते? मिंस ग्रुप है, इसमें फ्रांस भी है, इसको यूएसए भी है, रशिया भी है, और वो इतने पावरफुल हैं कि उनकी अगर वो अपने नीतियों से इसको सुलझाना अगर चाहेंगे और टर्की को कंट्रोल करना चाहेंगे तो वो उसको जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। आपने बड़ी बात कही है सर,